प्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? सोचती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आप सभी का नवीन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन। आज हम लिंग और वचन को संस्कृत के अंतर्गत पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हिंदी से फ़र्क है और हिंदी में क्या है और संस्कृत में क्या है। सर्वप्रथम हम वचन की बात करते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे राम है, लता, फलम आदि। इसमें राम, लता, फल ये सभी एक एक है, इसलिए ये एक वचन है। शब्द के जिस रूप से दो संख्या का पता चलता है वे द्विवचन कहलाते हैं, जैसे रामहु, लते, फले आदि। ये संख्या में दो दो हैं, राम दो हैं, लता दो हैं और फल भी दो हैं, इसलिए ये सभी द्विवचन हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो से अधिक संख्या का ज्ञान होता है वे बहुवचन कहलाते हैं, जैसे रामाह, लताह, फलानी। रामा बहुत सारे हैं, राम दो से अधिक है, लता दो से अधिक है और फल भी दो से अधिक हैं, इसलिए ये सभी बहुवचन हैं। इस प्रकार संस्कृत में तीन वचन हुए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों, संस्कृत में वचन के साथ लिंग भी तीन होते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का हमें बोध होता है वे पुरलिंग कहलाते हैं, यथा आकाश है, रवि, श्याम है, उमेश है, रमेश है, उदय है आदि। ये सभी पुरुष लोगों के नाम हैं, बच्चों के नाम हैं, इसलिए ये पुरलिंग है। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है या पता चलता है ये सभी स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यथा लता, रमा, गीता, कविता, सविता आदि। ये सभी स्त्रियों के नाम हैं, इसलिए ये सभी स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग, जो शब्द न पुरलिंग होते हैं न स्त्रीलिंग होते हैं वे सभी नपुंसक लिंग कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो गतिमान नहीं होते हैं वे सभी नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे पत्रम, फलम, पुष्पम, गृहम आदि। इस प्रकार संस्कृत भाषा में तीन ही लिंग होते हैं। ये संस्कृत में पुरुष क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं जो वक्ता के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, जिन पदों का वाचक वक्ता स्वयं होता है या जो वक्ता के द्वारा स्वयं की गई क्रिया को बताते हैं वे उत्तम पुरुष के पद होते हैं, जैसे अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, तथा गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे आदि उत्तम पुरुष के वाचक हैं। जिन पदों से वक्ता किसी को लक्ष्य करके कोई बात कह रहा हो वहाँ मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम, युवाम, यूयम। तुम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, तथा गच्छसि, गच्छत है, गच्छत इत्यादि। जहाँ वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात कह रहा होता है वहाँ अन्य व्यक्ति का वाचक प्रथम पुरुष होता है, जैसे सह, तौ, ते। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। देवह, देवौ, देवा। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये सब
प्रथम पुरुष के वाचक हैं। कहने का मतलब है कि संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सोचती हूँ आपको ये विषय समझ में आ गया होगा और आप अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे। खुश रहें। धन्यवाद।